एक ऐसा मूवी जो मूवी थिएटर्स में सभी को हंसा रही है, और उस मूवी की एक ऐसी एक्ट्रेस जो शायद आप सभी को मदहोश कर रही है, और उनकी खूबसूरती आपकी नजरों को उनसे हटने नहीं दे रही है। ऐसा बिल्कुल मेरे साथ होने वाला है, क्योंकि मलयालम मूवी श्रृंगारा वेलन की जो एक्ट्रेस है वेदिका, वो मेरे साथ आज स्टूडियो में है। हाय वेदिका, वेलकम टू द शो। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, तो अभी मलयालम इंडस्ट्री में मैंने डेब्यू किया है, तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ओके, तो अभी आपने डेब्यू के बारे में बता ही दिया है, उस मूवी के बारे में बताओ। श्रृंगारा वेलन मेरी पहली फिल्म है मलयालम में। एक्चुअली मुझे काफी ऑफर्स आए थे मलयालम इंडस्ट्री से पहले, मगर मैं तब वो फिल्म्स नहीं कर सकी। और अभी जो ऐसी टाइप की जो फिल्म आई है मुझे श्रृंगारा वेलन, जहाँ टीम सबसे बढ़िया टीम है, डायरेक्टर जोस थॉमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिलीप सर है ये फिल्म के हीरो, तो ऑब्वियसली सबको ये विश रहती है कि वो दिलीप सर जैसे एक्टर के साथ काम करें। तो मुझे मेरी पहली फिल्म में ही ऐसी बढ़िया टीम मिली, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ओके, तो मूवी सुपर डुपर हिट होगी या उससे भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट होगी? एक्चुअली काफी हाउसफुल चल रही है ऑल ओवर केरला, और अभी फिल्म बैंगलोर, बॉम्बे और ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी सिंगापुर, मलेशिया, यूके में सब जहां जहां पर मलयालीज हैं, जहां जहां पर मलयालीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह मलयालीज तो सब जगह छाए हुए हैं। काफी यानी एंटरटेनिंग सी फिल्म है, और ओनम के फेस्टिवल के टाइम पे रिलीज हुई है, तो सब फैमिली ऑडियंस देखना चाहते थे फिल्म। ओके, अभी आप थोड़ा सा रेस्ट लो, और हिंदी कंपनी सुनने वालों, आपको वेदिका को ही सुनना है या फिर गाने भी सुनने हैं? गाने सुनो, हम दोनों फिर से लौट के आएंगे क्लब ऑफ हिंदी कंपनी पर। डन कनेक्ट इन फन क्लब ऑफ हिंदी कंपनी पर, मैं हूं सुमित, और आज आपका पहला और आखिरी दीवाना सुमित अकेला नहीं है स्टूडियो में, मेरे साथ है श्रृंगार वेलन ये मूवी की ब्यूटीफुल 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 सी एक्ट्रेस वेदिका। एंड यार वेदिका, उस मूवी में लाल सर भी काम कर रहे हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर है। हाँ। तो आपको ये कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में वगैरह विश्वास है? हाँ, डेफिनेटली है। इट्स अ साइंस। ओके, एक साइंस है वो, हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, मगर आई थिंक योर विल पावर, जो आपकी मन शक्ति रहती है, उससे भी आप लोग काफी अचीव कर सकते हैं। आपकी शादी का वगैरह कुछ प्लान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका ऐसा कुछ है क्या कि जातकम देखो, कुंडली देखना एंड ऑल, नक्षत्रम देखो? वेल, अगर मैं किसी के साथ टोटली इन लव हूँ और कुंडली थोड़ी इधर की उधर मैच नहीं हो रही है, तो आई डोंट थिंक आई विल गो बाय द कुंडली, आई विल गो बाय माय फीलिंग्स। प्यार वहाँ पे कुंडली ठीक कर ही देगा। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, सुपर बोला आपने, प्यार कुंडली ठीक कर देते हैं, मगर कुंडली प्यार को नहीं, वो नहीं करता। वो तो बिल्कुल नहीं करता। ओके, मैं अभी वेदिका बुलाऊं या फिर पूजा कुमार बुलाऊं? वेदिका, वेदिका बुलाऊं, दैट्स माय स्क्रीन नेम। पूजा एक्चुअली मेरा ओरिजिनल नेम है, तो काफी पूजा है इंडस्ट्री में, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो सोलापुर? नो, दैट्स माय ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस, आई वाज बोर्न देयर बट बीन ब्रॉट अप इन बॉम्बे। मराठी एंड ऑल? मराठी आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आती है, तो मराठी बोलूं मैं? हाँ, बोला ना। Okay. बोलते मराठी, मतलब मराठी है ते, मगर यार यहाँ के लोग मराठी नहीं आते। हाँ, उनको तो समझ में नहीं आएगा, भाग जाएंगे सब लोग। अच्छा, तो अभी तक कितनी मूवीज साउथ में कर लिया? वेल, श्रृंगार वेलन इज माय 11th फिल्म इन माय करियर, एंड जो नेक्स्ट मैं करने जा रही हूँ वो भी एक, हाँ, तमिल में, वो भी एक मलयालम सुपरस्टार के साथ है, पृथ्वीराज। ओके, और म्यूजिक जो है AR रहमान ने दिया है, तो या म्यूजिक तो डन कर दिया। हाँ, टोटली, वो तो हो गया। तो पृथ्वीराज को तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अय्या किया। हाँ, लेकिन अय्या ने नैया पार नहीं कराई। वो तो होता ही है फिल्म इंडस्ट्री में, कभी हिट या कभी, या बिल्कुल। तो मुंबई में रहकर आपका बॉलीवुड का क्या चक्कर है, मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी आप सभी लोग गाना एंजॉय करो मेरे साथ और वेदिका के साथ ऑन क्लब ऑफ एम हिंदी कंपनी। कहते रहो ठान खाने के नफान क्लब ऑफ एम हिंदी कंपनी पर। मेरे सामने वाले खिड़की का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने वाले माइक पर एक खूबसूरत सा चेहरा बैठा है, वेदिका है नाम। और वेदिका, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स जैसे पृथ्वीराज बॉलीवुड पहुंच गए, आप मुंबई से बॉलीवुड कब पहुंच रही हो? वेल, वो तो एकदम पास में ही है, तो उसका प्लान अभी मैंने बनाया नहीं है, मगर डेफिनेटली अगर
मुझे कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिले और डेब्यू के लिए अच्छा फिल्म मिले तो मैं एक हिंदी फिल्म करना चाहूंगी, और मेरी हिंदी तो अच्छी है ना, कर सकती हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तक स्क्रिप्ट मिला नहीं या फिर अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिला आपको? अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिला, काफी ऑफर्स थे मगर मुझे लगा वो डेब्यू के लिए ठीक नहीं है। ऑलराइट यार, मैंने ऐसे सुना है कि आपने कहीं तो कहा कि साउथ फिल्म इंडस्ट्रियों में प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है साउथ में, तो इनडायरेक्टली आप ऐसे कह रही हो कि वहाँ पर नहीं है? नहीं, मैंने कहा जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे तो बहुत प्रोफेशनलिज्म देखा है मैंने और काफी खुश हूँ मैं यहाँ पे साउथ में। और अभी मलयालम इंडस्ट्री में भी मुझे एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई है श्रृंगार वेलन के थ्रू, तो यहाँ पे डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहूंगी। अगर हिंदी में मुझे कोई ऑफर आती है तो वो भी कर लूंगी, मगर आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ ऑन साउथ। आपको ये ना एकदम टॉप सीक्रेट वाली अंदर की बात बताता हूँ, ओके? हाँ। यहाँ के जो मलयाली लोकल एक्ट्रेसेस है ना वो ये बात कर रहे हैं कि आप लोग बाहर से आके यहाँ पर मूवी करके जा रहे हो यार, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। मगर वो भी बाहर के फिल्म्स कर रहे हैं ना, जीने दो यार। आप बाहर से इशा तलवार रख रही ना, तमिल में, कन्नड़ा में, काफी लोग कर रहे हैं बाहर के फिल्म। यार आई नो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ कह नहीं रहे। देयर आर आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, और आप लोग भी यार, कोई लड़की ऐसी होती ही नहीं है जो खूबसूरत नहीं होती। आप सभी लोग यहीं पर बने रहे, और मैं अभी इनका मलयालम टेस्ट लेने वाला हूँ। क्लब ऑफ हिंदी कंपनी पर डन कैन आई गिव अ फन। क्लब ऑफ हिंदी कंपनी पर दिल पे हाथ है, होठों पे मुस्कान है, और जुबान पर सिर्फ और सिर्फ वेदिका का नाम है, और वेदिका का मैं मलयालम टेस्ट लेने वाला हूँ। वेदिका, आपको एक मलयालम रोमांटिक डायलॉग बोलना है। आप एक्ट तो नहीं कर सकती, रेडियो है, कोई देखेगा नहीं, करेक्ट? तो आपकी आवाज में वो होना चाहिए। ओके, कोई एक डायलॉग सोच लो आप। दिलीप सर का एक डायलॉग है फिल्म में, वो बोल देती हूँ मैंने कहा रोमांटिक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल रोमांटिक है। ओके, मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि आप मुझे बोल रही हो। வடன் கண்ண துடிக்கும் இடன் நெஞ்ச வெறிக்கும் इसका मतलब पता है आपको? हाँ पता है, बिल्कुल पता है। मुझे बताओ क्या है उसका मतलब? Well, जब आपको कोई बहुत पसंद आता है तो आपका जो राइट आई है वो क्लिकर करेगा, और आपका जो दिल है वो एकदम जोर से धड़केगा। अच्छा, वो होता है क्या सीरियसली ऐसा? हाँ, आग का तो पता नहीं मगर दिल डेफिनेट। हाँ, कोई तो यहाँ पर रोमांटिक हो रहा है शायद। तो टॉपिक चेंज, आपने एक तमिल मूवी किया था जिसमें आप एक रेडियो जॉकी थी। हाँ करेक्ट, मले 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 आपने किया था। काफी इंटरेस्टिंग था वो रोल। चार साल पहले 2009 में किया था शायद आपने वो मूवी। तो उसमें चलो एक रेडियो जॉकी को जगा रहा हूँ मैं आपके अंदर के। ओके, आपको बोलना है। मैं नहीं हूँ, ठीक है? आप अभी आरजे माइक पर बैठी हो। आपको केरला की लिसनर्स को कुछ बोलना है। ओके, फॉर 20 सेकंड्स। ओके, बिना रुके सोच लो किस बारे में बोलना है। हे भगवान। हाय एवरीवन, दिस इज योर आरजे हियर, वेदिका, एक्सक्लूसिवली ऑन क्लब एफएम। टुडे आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट माय डेब्यू फिल्म श्रृंगार वेलन, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इट। श्रृंगार वेलन हिट हो गई है, और जिसने फिल्म नहीं देखी है वो जल्दी भाग के थिएटर में देख लेना। बहुत अच्छी फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है, और पक्का आपको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज वेदिका इज इन इट। वेदिका तो है ही यार, क्या बात है यार। अभी शायद लोग ये कहेंगे कि हमें हिंदी कंपनी पर आरजे सुमित नहीं चाहिए, आरजे वेदिका चाहिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप लोग गाना एंजॉय करिएगा, और मैं यहाँ पर खूबसूरत सी स्माइल जो है वेदिका जी की, उसको निहारते रहता हूँ। क्लब ऑफ हिंदी कंपनी पर डन कैन आई गिव अ फन। क्लब ऑफ हिंदी कंपनी पर मैं हूँ सुमित, और मेरे साथ है वेदिका। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो फटाफट से एक अंदर वाली बात मैं पूछ लूँ आपसे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने कितना चार्ज किया था पहली मूवी के लिए एंड ऑल, लेकिन ये बताओ क्या वेदिका अभी डबल चार्ज कर रही है जितना उसने पहली बार मूवी में किया था? डबल तो बहुत कम हो गया। ओह डियर। अच्छा तो मुझे बताओ कि कितना टाइम बढ़ गया है? काफी बढ़ गया है। काफी बढ़ गया है। वैसे तो मैं प्राइसलेस हूँ, लाइक या गुड थिंग्स आर प्राइसलेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस थिंग्स। एंड मैंने कई बार देखा कि आपने एक झूठ कहा है यार। क्या? कि आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी तो नहीं है। नहीं, तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है। नहीं, आपने कहा था कि फॉर टाइम बीइंग आपका जो काम है वही आपका बॉयफ्रेंड। हाँ डेफिनेटली, माय वर्क इज माय लव राइट नाउ। राइट नाउ? हाँ। कब चेंज हो रहा है अभी मुझे कैसे पता? थिंग्स हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली ना। ओके, मेरे जातकम में लिखा है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मेरे लाइफ में आने। अच्छा, और डेट भी कहीं आसपास ही था। ओहो वेरी गुड यार। मुझे बताओ कि लड़कियां इंप्रेस कैसे होती है? वेल, हंसाओ, लड़कियों को हंसना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको हंसाओ, और ओरिजिनल जोक्स के साथ, कहीं
किसी से जोक्स वगैरह चुरा के गूगल पे मत जाके ढूंढना जोक्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे लड़के हमें सुन रहे हैं जो प्रपोज करना चाहते हैं, एक एक्ट्रेस उन्हें बता रही है कि कैसे करना है। सरप्राइज दे सकते हो, लाइक कहीं रोमांटिक जगह पे लेके जाके, जो मन में है वो बोले, दैट्स इट, विद अ क्लीन हार्ट। कितने लोगों ने कहा है आपको? क्या यही? अभी मैं काउंट तो नहीं कर सकती, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना। आपका पहला क्रश बताओ मुझे। माय फर्स्ट क्रश वाज इन स्कूल, और बस एक पपी लव क्रश था, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद लास्ट क्रश? लास्ट क्रश माय एक्स बॉयफ्रेंड। कितना वक्त हुआ ब्रेकअप को? चार साल से क्रश ही नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो बहुत वक्त लगता है। हाँ, बहुत वक्त लगता है किसी को पसंद करने में। तो मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। तो थैंक यू सो मच आप यहाँ पर। थैंक यू सो मच यार, आपकी मूवी सुपर डुपर हिट है, और आपने जैसे कहा कि बहुत सारी जगहों पर रिलीजेस होने वाले हैं उसके, तो और भी अच्छा काम करे। यस ओके, और अगली मलयालम मूवी के लिए पैसा बढ़ेगा वो बाद में, मैंने बोला ना मैं यहाँ पे नो पैसा, ओनली पैशन। ओके ठीक है, चलेगा। तो यार प्रोड्यूसर्स के लिए थोड़ी सी राहत, ये पैसे के लिए नहीं है, पैशन के लिए है। थैंक यू सो मच वेदिका, आप यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, टेक केयर डियर। एंड आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, कल मैं फिर से लौटूंगा ऑन क्लब ऑफ हिंदी कंपनी। कहते रहो उड़ान, कनक इन फन, लव यू ऑल एंड गुड नाइट, बाय एवरीवन।